वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद वे दोबारा दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासन काल में लोगों को जो सुविधाएं मुहैया कराई गई थी वही सुविधाएं लोगों को दोबारा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बाद ही लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए विशेष योजना चलाई जाएंगी और इसके लिए उन परिवारों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग गरीब होने के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। वर्तमान समय में फंसी रियम्बर्समेंट ही नहीं बल्कि छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं दी जा रही है। प्रजा संकल्प यात्रा के अंतर्गत रविवार को कोडमरू निर्वाचन क्षेत्र के गोरंटला में पिछड़ी जाति की बैठक में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भाग लिया। इस संदर्भ में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव के दौरान नारा चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को जो आश्वासन दिया था उसमें एक भी पूरा नहीं किया गया है। कुरपा जाति के लोगों को पिछड़ी जाति की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था। साथ ही पिछड़ी जाति की श्रेणी में मौजूद कई लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का वादा किया था लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया गया। चुनाव से पूर्व बिजली दर कम किए जाने का भी आश्वासन दिया था लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके सभी आश्वासन कागज तक ही सीमित रह गए। दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासन काल में लोगों को राशन की दुकान में 9 तरह की रोजमर्रा की सामानें मिला करती थी लेकिन अब यह केवल चावल तक ही सीमित रह गई है। लोगों को नौकरी का आश्वासन दिया गया था लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया गया। बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी आश्वासन दिया गया था लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो TDP केवल आश्वासन पर सरकार चला रही है। दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में पिछड़ी जाति के लोगों को उच्च शिक्षा दिलाई गई थी। TDP के सत्ता में आने के बाद लोगों में इस व्यवस्था के प्रति विश्वास उठ गया है क्योंकि लोगों को दिए गए आश्वासन पर पूरा किए जाने के बाद ही राजनीति के प्रति लोगों में विश्वसनीयता बनी रहती है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पदयात्रा के दौरान उन्होंने जिन समस्याओं को करीब से देखा है उसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और लोगों को कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं देंगे जिसे पूरा किया जाना संभव नहीं है।